दोस्तों, अब आपको लग रहा है ना कि ये एकदम नया नया जो दिख रहा है पापड़ी चाट लग रहा है बाजार का है। बिल्कुल नहीं, ये घर पे बनाया है। थोड़ा सा मैदा नमक मार करके, नमक डाल करके मैंने मार लिया था। उसकी छोटी छोटी पापड़ी यानी कि गोल गोल आकार में या तिकोने आकार में पापड़ियाँ बना के रख ली हैं। और चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले पापड़ी चाट के लिए पापड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, मीठा दही चाहिए, चटनी चाहिए, चाट मसाला चाहिए, भुना जीरा मिर्चा का मसाला चाहिए, और प्याज चाहिए, धनिया चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए। बस आप इकट्ठे करते जाइए सामान जो जो मैं बताती जा रही हूँ। और जो है हरा चटनी जो होती है ना खट्टी वाली, वो भी चाहिए। अब जब आपके पास ये सारे सामान आप इकट्ठे कर लेंगे, तो जैसे ही कोई गेस्ट आपके पास आएगा, आप आराम से पापड़ी चाट बना करके उसको मज़ा दिला सकते हैं चाट का। तो ये देखिए पापड़ी चाट बन करके कई मैंने तैयार कर ली 20-25 पीस। और ये है मटर, उबले हुए मटर, सादे एकदम, कोई मसाला नहीं डाला इसमें मैंने मटर में। सादे मटर को 5-6 सीटी में उबाल दिया है और बस बन करके मटर भी तैयार हो गए हैं। ये सब जब सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तो चाट बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, झटपट बन करके पापड़ी चाट बन तैयार हो जाएगी। लखनऊ में तो ये बहुत फेमस है, क्योंकि लखनऊ के लोग थोड़े चटोरे होते हैं, बहुत ज़्यादा चाट पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने उनको चटोरे का नाम दिया है। तो चलिए अब आपके लिए भी एक पत्ता बताते हैं और लगाते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। जब सामग्री इकट्ठी कर ली तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं और आराम से आप भी बिल्कुल ऐसे एक बार बना करके ट्राई कीजिएगा पापड़ी चाट। ये देखिए पूरी पापड़ी मैंने पूरी ही रख दी है, इसको तोड़ा नहीं है। आप चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बहुत से लोग उसको आपस में मटर में मिला करके भी खाते हैं। ये जगह जगह ठेलों पर भी मिलती है, लेकिन मैं घर पर बना रही हूँ, कितनी बढ़िया और शुद्ध तरीके से, है ना। तो ये देखिए इसमें 1 चम्मच मटर डाल दीजिए भर करके अच्छे से। और बाद में थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है पूरा ऊपर, आराम से धीरे धीरे करके डाल देंगे सारे मसालों को। चाट का जो मसाला है ना, इसमें सब कुछ वैसे ही मिला होता है, लेकिन मैंने अलग से और मसाले भी तैयार किए हैं, वो भी डालने हैं साथ में। भुना हुआ जीरा मिर्चा का मैं बनाती हूँ मसाला, जिसमें भुना जीरा, काली मिर्च और नमक रहता है, हल्का सा काला नमक रहता है। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल इसमें नहीं करती हूँ, क्योंकि चटपटा लगना चाहिए। ये हो गई साथ में हरी वाली चटनी, ये देखिए दोस्तों हरी चटनी हो गई। ये मीठी गुड़ की चटनी, इसकी भी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पे दोस्तों। और जो हरी चटनी है उसकी भी रेसिपी दे चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं पूरी रेसिपी। और ये मीठा दही, मीठा दही कैसे बनाते हैं ये भी बताया है। इसमें सिर्फ 2-3 चम्मच चीनी डाल करके दही को अच्छे से फेंट लेते हैं और आपका मीठा दही बन करके तैयार हो जाए। कोई भी कठिन काम नहीं है, सब काम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मेरे से भी अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर एक बार बना करके ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो मेरा चैनल है कविता देसी किचन, उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सबके ही सपोर्ट से ही मेरा परिवार बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है, और आप सबके ही सपोर्ट से मैं आगे और काम करती रहती हूँ, क्योंकि उत्साह चाहिए होता है वो सिर्फ आप ही देते हैं हमें। ये थोड़े से प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हरा मिर्ची, हरी मिर्ची आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तीखा खाते हैं 1-2 पीस ज़्यादा डालिए, कम खाते हैं थोड़ा डालिए, बच्चे खाएंगे उनके में बिल्कुल मत डालिए। बस चटपटी चाट का मतलब ही यही होता है कि जितना ज़्यादा चटपटा हो जाए, स्पाइसी, तीखा, चटपटा, मीठापन सब होना चाहिए, तभी आपकी एक परफेक्ट चाट बन करके तैयार हो जाएगी। और बिल्कुल आप देखिए, ये आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये घर की बनी चाट है, ये बिल्कुल लग रहा है ना दोस्तों कि एकदम बाज़ार से अभी अभी मंगाई है आपने। और एक बार बनाइएगा ज़रूर मेरे कहने से।